आइए देखते हैं एक बहुत ही कॉमन एडियम को बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है नेटिव स्पीकर्स के द्वारा भी नॉन नेटिव स्पीकर्स के द्वारा भी कई बार लोग बोल चाल में बोलते हैं कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा एक बहुत ही कॉमन एडियम बहुत ही पॉपुलर एडियम क्या है इसका मतलब इसको समझते हैं वंस इन अ ब्लू मून अब एडियम्स के बारे में जैसा कि हम जानते हैं ये वो नहीं मीन करते जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से निकल के आता है तो अगर हम कहें वंस इन अ ब्लू मून तो इसका मतलब कुछ निकलता है नीले चांद में एक बार कोई खास मतलब नहीं निकला अगर मैं कहता हूं आई सी हिम वंस इन अ ब्लू मून लिटरली ट्रांसलेट करेंगे तो आपको मीनिंग क्लियर नहीं होगा अब ब्लू मून का मतलब जानते हैं जनरली ब्लू मून को हम तब मानते हैं जब एक ही महीने में दो बार फुल मून हो एक ही महीने में दो बार अब आमतौर पे एक महीने में एक बार पूर्णिमा या पूर्णमासी आती है एक ही महीने में जब यह चीज दो बार हो जाए जो कि एक बहुत ही रेयर इवेंट है दो से तीन साल में होता है मुझे एग्जैक्ट ड्यूरेशन तो नहीं पता बट ऐसी नहीं है चीज ये जो हर महीने हो रही हो या हर साल हो रही हो दो साल तीन साल में एक बार कभी कोई ऐसा मंथ आता है जिसमें एक ही महीने में एक ही मंथ में दो बार पूर्णिमा पूर्णमासी या फुल मून होता है तो कोई चीज जब कभी कभार होती है समथिंग च हैपन्स इनफ्रीक्वेंटली या कई बार रेयरली के लिए समथिंग रेयरली कभी कभार होती है चीज रोज मर्रा कि नहीं कभी कभार अब कई बार जैसे लोग हैं बाहर रहते हैं अपने घरों से कई लोग काम कर रहे हैं बाहर घर आप डेली तो आएंगे नहीं मान लीजिए कोई इंसान लखनऊ में पला बड़ा उसकी फैमिली लखनऊ में है वो कहीं चेन्नई में हैदराबाद में पुणे में मुंबई में काम कर रहे हैं बैंगलोर में काम कर रहे हैं तो वो हर बार तो आएंगे नहीं लखनऊ हो सकता है साल में एक साल में हर महीने भी हो सकता है ना आ पाए साल दो साल में एक बार आते हूँ डेली कॉल करते रहते हैं तो उनसे अगर पूछे कोई कि वेन डी गो टू याउस अपने घर कब जाते हैं वैन डी गो टू योर होम टाउन तो वो कह सकता है हाउ ऑफन डू यू गो टू होम टाउन कोई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है तो आप को कह सकते हैं आई गो टू माई प्लेस वंस इन अ ब्लू मून मतलब कभी कभार जा पाते हैं साल में दो साल में एक बार जा पाते हैं तो आई सी हिम वंस इन अ ब्लू मून का मतलब यही है कि मैं उससे कभी कभार मिलता हूं फ्रीक्वेंटली नहीं मिल पा रहा हूं कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो रोज हो रही है कभी कभार रेयरली दिख गए तो दिख गए आई आई सी हिम वंस इन अ ब्लू मून आई सी हिम वंस इन अ ब्लू मून ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना कि यहां पे सी का मतलब देखना नहीं है कि मैं उसको वन स ब्लू मून देखता हूं ये भी जानिए कि इस एक्सप्रेशन आई सी हिमस एन ब्लू मून का मतलब मिलने से है तो हमेशा यहां पे सी का एक्सप्रेशन देखने से नहीं है व्हेन डिड यू सी हिम लास्ट मतलब बेसिकली कि जैसे हम लोग कहते हैं सी यू सून तो हम सी यू सून इसलिए थोड़ी कहते हैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे मिलेंगे तो सी सून का मतलब है फिर मिलते हैं जल्दी से मिलते हैं फिर मिलते हैं जल्दी से तो सी का मतलब यहां मिलने से है देखने से ही है तो मैं उसे कभी कभार मिलता हूं वंस इन अ ब्लू मून समथिंग इट हैपन्स इनफ्रिक्वेंटली रेयरली तो मुझे लगता है कि एक्सप्रेशन आपको समझ में आया होगा कोई डाउट कोई कंफ्यूजन स्टिल रह गया हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट्स में बताइए आई होप इट हेल्प्स टेक केयर